वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। नया भी इस नया काम था, इसलिए सोचा कि आपको एक वीडियो दे दूँ। तो मैंने ग्रिल लाया हुआ है, देख लो कुछ ऐसा, जो कि एसी का टूट गया हुआ है, ख़राब हो गया है। तो मैंने नॉर्मल ले लिया हुआ है एक ग्रिल, इसको लगा देंगे, नहीं तो चिड़िया वगैरह आउटडोर यूनिट में घुसेगा। चलो दिखाते हैं आउटडोर का हालत। ये देखो आउटडोर का यहाँ पर पूरा टूट गया हुआ है, गिर कर एरा सब खराब हो गया हुआ है पूरा। ज़्यादा दिन रहने से तो आप मार्केट में मिलता है तो आप लेके लगा सकते हो। देखो पूरा टूट गया हुआ है, किस हिसाब से ये चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे चिड़िया आ जाएगा। तो देख लो भाई यहाँ पे पूरा टूटा हुआ है, और एक खुला छोड़ दिया जाए ना तो इसमें चिड़िया वगैरह घोंसला बना लेगा, या चिड़िया वगैरह आएगा तो भाई कोई भी जानवर आके यहाँ पे मर सकता है। तो हम नहीं चाहते कि ये सब हो, इसलिए हमने कस्टमर को बताया कि आप ये लगवा लो, ठीक रहेगा। वोल्टास का 1.5 टन का एसी है, जो कि बहुत पहले का मॉडल है, 10 साल 12 साल पहले का मॉडल है। और एक ग्रिल हमने लाया, उसके अलावा और भी चीज़ लाया है हमने। यहाँ पर हमने रैपिंग टेप आना है, और ये रहा यूनिफॉर्म, ये जो पाइप है पूरा ओपन है, देख सकते हो। तो इन सब को हटाएंगे और पूरा बढ़िया से फिनिशिंग करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को घंटी दबा। ये जो ग्रिल है ना, हर जगह मिलता नहीं है, तो आप अगर आपका टूट टूट गया है तो टेक्नीशियन को बोले, टेक्नीशियन अपना कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके और जहाँ मिलता है वहाँ से वो ला कर आपको लगा देगा। तो ये सब पर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का कंडेंसिंग कॉइल है, थोड़ा भी अगर कचरा घुस गया अंदर और मशीन चलेगा तो कंडेंसिंग कॉइल लीकेज हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। आपका भी अगर एसी या आउटडोर यूनिट का ग्रिल अगर टूट जाता है तो उसे आप मार्केट से परचेस करवा कर लगा सकते हैं, टेक्नीशियन ही लगाएगा, आप तो खुद से लगा नहीं सकते हो, तो टेक्नीशियन को आप बोल दो, वो आनकर लगा देगा। ये देख लो यहाँ पर हमने ग्रिल को लगा दिया कुछ इस प्रकार से है, तो पूरा सेम ग्रिल है, तो आप मार्केट से लेकर इसको लगा सकते हो। फैन वगैरह न चाह के मैंने देख लिया, आप भी देख लेना कि फ़ैन वगैरह फैन ब्लेड टच तो नहीं कर रहा। और यहाँ पे अभी हम लोग ने यूनिफॉर्म को मारना स्टार्ट किया हुआ है, देख लो। तो अभी इसके ऊपर हम लोग मारेंगे रैपिंग टेप, अभी मार देंगे, इसके बाद में पूरा फिनिशिंग हो जाएगा, देख लो भाई। तो मैंने यहाँ पे पूरा रैपिंग टेप वगैरह मार दिया हुआ है, और साथ में वायर को अलग से रखे है ताकि वायर वगैरह ख़राब हो कभी तो साइड से निकल जाए, देख लो इस प्रकार से। अभी हम, और ये देखो एल्युमिनियम का कंडेंसिंग कॉइल है, तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे एक बार कि इसका क्या बोलता है, फैन टच तो नहीं कर रहा है। चलो ऐसा जगह में काम करना पड़ता है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को सपोर्ट किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी सारा वीडियो, ऐसा ऐसा जगह का भी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अभी ऑन कर लेते हैं एसी को, उसके बाद में देख लेते फैन टच कर रहा है कि नहीं। हालांकि नॉर्मली पहले मैंने उसको फैन ब्लेड को घुमाकर देख लिया हुआ है, नहीं तो मालूम चले उस टच कर रहा है, मैंने ऑन कर दिया तो हो गया, फैन ब्लेड टूट जाएगा। चलो एक बार ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मशीन चालू हो गया अपना, ये देखो दिख रहा होगा आपको, कोई टच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सेम मॉडल का ग्रिल हमने लगाया हुआ है। ऐसे आप मॉडिफाई करके भी कुछ कुछ लगा सकते हो अगर नहीं मिलता है तो, लेकिन एक खुला मत रखो भाई, इसमें चिड़िया वगैरह जाता है और बाद में एसी चलने से मर जाता है। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए एसी का कंप्लेंट के साथ।